फ्रेंड्स, आई एम इंदु। वेलकम बैक टू माय चैनल फिक्सर। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ गाइस स्विस ब्यूटी मेकअप फिक्सर का, नेचुरल एलोवेरा विथ विटामिन ई, यानी इसमें एक्सट्रैक्ट्स है एलोवेरा और विटामिन ई का। अब इसमें यूजेस ऑफ डायरेक्शन देखा जाए तो इसमें लिखा है मेकअप फिक्सर यूज्ड आइदर बिफोर और आफ्टर, यानी आप मेकअप से पहले भी और मेकअप के बाद भी मेकअप फिक्सर का जो है यूज कर सकते हो। मेकअप इज टू सेट योर मेकअप सो डेट इट कैन स्टे लॉन्गर एंड नॉट बी वाइप्ड ऑफ विद टच ऑफ हैंड्स। स्प्रे फ्रॉम अ डिस्टेंस एंड लेट इट ड्राई बिफोर अप्लाइंग मेकअप और टू सेट मेकअप स्प्रे आफ्टर अप्लाइंग मेकअप। यानी थोड़ा डिस्टेंस रख के आप मेकअप सेटिंग स्प्रे को हमें स्प्रे करना है, थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए और इसको जब लगाते समय तो टच नहीं करना है, वाइप नहीं करना है, अपना आप ही ड्राई हो जाएगा। इसे अपना आप ड्राई होने दीजिए और ये इससे आपका मेकअप जो है लॉन्ग लास्टिंग रहता है और ग्लोइंग भी लगता है। ओके, अब इसमें गाइस अगर इंग्रेडिएंट्स देखा जाए तो इंग्रेडिएंट्स है इसमें फिक्सिंग ग्लू, विटामिन ई, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, एलो फ्रेग्रेंस, प्योरिफाइड वाटर और मिथाइल पैराबिन। तो उसमें पैराबिन भी आप देख रहे होंगे है, ज्यादातर ब्यूटी प्रोडक्ट्स में हमारा पैराबिन होता है। तो ये तो आपको डिसाइड करना है कि आपको पैराबिन यूज करना है कि नहीं करना, बट ज्यादातर ब्यूटी प्रोडक्ट्स में पैराबिन होता है। तो इसलिए हमें स्किन केयर पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए अगर हम मेकअप करते हैं, क्योंकि मेकअप में कुछ ना कुछ पैराबिन वगैरह ये सब चीजें केमिकल्स तो होता ही होता है, तो उससे हमारी स्किन पर थोड़ा तो इफेक्ट पड़ता ही है। ओके, तो हमें क्या है स्किन केयर पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि मेकअप में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत केमिकल्स होते ही होते हैं। ओके, तो ये मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स बताए हैं। और अब गाइज ये कितने इस पे लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है यानी पैकेजिंग डेट है यानी अप्रैल 2019 और इसकी एक्सपायरी डेट है यानी यूज बिफोर अप्रैल 2023, यानी आराम से 3 साल चल जाएगा ये। ओके, और इसका एमआरपी लिखा है 199 रुपीज, यानी जो इसमें मेंशन कर रखा है एमआरपी प्राइस वो 199 रुपीज का है, बट आपको ऑनलाइन ही 149 रुपीज का आराम से पड़ जाना है। क्वांटिटी जो है 50 ml का है, ये कार्डबोर्ड है इसका, ब्लैक कलर का कार्डबोर्ड होता है। ओके, तो काफी अच्छा है। मैं इसे आपको खोल के बताती हूँ, ये देखिए गाइस। तो गाइस देखिए इस तरीके से बोतल साथ, डिस्टेंस रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेकअप से पहले भी हम यूज कर सकते हैं, मेकअप के बाद भी यूज कर सकते हैं। आपको उसका प्राइस पता चल गया, क्वांटिटी पता चल गई, लेकिन ये अच्छा है, लगाने में काफी अच्छा है और इससे काफी अच्छा ग्लो भी आता है क्योंकि मैंने इसे 4 से 5 बार यूज कर चुकी हूँ। ओके, तो मतलब ऐसा नहीं लगता कि इसके लगाने के बाद में आपका मेकअप जो है काला पड़ जाएगा, और लॉन्ग लास्टिंग भी है, इससे आपका मेकअप भी टिकता है अच्छा खासा। ओके, और अफोर्डेबल भी है। तो अगर आप कोई अफोर्डेबल मेकअप फिक्सर देख रहे हो तो ये जो है अच्छा है। ओके, तो आपको इस तरीके से आंख बंद करके करना है, आंख खोलना नहीं है नहीं तो आपकी आंख में ही चला जाएगा प्रोडक्ट। इसे थोड़ा सा हिला के सेक करके ही आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है। ये क्या है, अपना आप ही इसको ड्राई होने दीजिए। ओके, थोड़ा सा ये इधर नहीं लगा, मैं इधर भी लगा लूंगी। इसकी स्मेल भी काफी अच्छी लग रही है। तो गाइज अफोर्डेबल है और अच्छा खासा भी है, तो आप मंगा सकते हो। अगर आप कोई सस्ता कोई अफोर्डेबल मेकअप फिक्सर देख रहे हो तो लॉन्ग लास्टिंग भी है, मैं 4 से 5 बार यूज़ कर चुकी हूँ तभी बोल रही हूँ, और अच्छा है। ओके, लेकिन थोड़ा बहुत तो केमिकल्स हर किसी में हर प्रोडक्ट में होते हैं, तो इसमें भी पैराबिन जो है इसमें, तो मैं बताना चाहूँगी अगर आप यूज़ कर सकते हो पैराबिन थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हो तो आप ये मंगा सकते हो। अगर आप पैराबिन बिल्कुल यूज़ नहीं करते तो ये फिर आपके लिए नहीं है, तो आप डिसाइड कर सकते हो। ओके, सो गाइज आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। गाइज अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज गाइज लाइक कर देना, क्योंकि एक लाइक से हमें मिलता है मोटिवेशन ढेर सारा। और गाइज अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो, बगल में बैठा के घंटी आएगी उसे भी जरूर दबा लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, आई लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।